नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल को राव जोहरी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं अगर मनीष सिसोदिया और के कविता की बात किया जाए तो उनकी भी न्यायिक हिरासत जो है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में कहीं ना कहीं अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन वहीं सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल किस तरीके के पैतरे अपनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये उनके पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। ऐसे में 8 अगस्त की डेट मिलना और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई जाना, इस बात के संकेत मिलते हैं कि अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव से पहले और उससे बहुत पहले बाहर आना कहीं ना कहीं संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में 16 महीने से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोहर नहीं लगाया गया कि उनका किस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है केस में, या किस तरीके के उनके पास सबूत है, और क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जिस तरीके से और भी लोग इस केस से जुड़े लोग, विजय नायर, के कविता जैसे लोग, बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, डायरेक्ट ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि जिससे बना पर ये कह दिया जाए कि ये लोग दोषी हैं। और वो यही बात आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आती है और ये बात कहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर दोषी होते तो इतना जो पैसा कहीं ना कहीं 100 करोड़ का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो पैसा कहाँ है। एक भी पैसा घर पर जब ईडी की सीबीआई की छापेमारी हुई तो एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। चाहे वहीं पर देखा जाए मनीष सिसोदिया के घर में भी वही बात है, संजय सिंह के घर पर भी वही हाल निकला, और अरविंद केजरीवाल के घर पे जब छानबीन हुई थी तो वहां पर भी यही बात निकलते हुए सामने आई थी। वहीं अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को और उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है, लगातार ये बात संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, इनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की इतनी बातें नहीं होती है आम आदमी पार्टी की जितना अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की पूरी जद्दोजहद चल नजर आ रही है। अगर इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल का अब ये जो मामला है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो तेजी से घट रहा है और उनको किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और वो कोमा में जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या ईडी सीबीआई हो इसी बात को चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव से दूर रहे, इसलिए उनको जेल में रखा जा रहा है। और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो है जेल में तबीयत खराब हो जाए और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, इस तरीके का संजय सिंह का कहना है। लेकिन इस पर अभी कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत सुनीता केजरीवाल को जरूर दी थी और ये माना ही जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी आना आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जमानत ना मिलना, इस बात के संदेश है कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है और इस बार के दिल्ली की सत्ता कहीं ना कहीं अलग तरीके और अलग मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में और भी राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं अब इसमें शिरकत करने की गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण भी नाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अरविंद केजरीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव से जीत जाते हैं या फिर एक बार फिर से फतेह हासिल करते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।